नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना, छोटे से जानकारी हमेशा आपको काम आएंगे। अधिकतर आपने इधर उधर सांप की केचुल जरूर देखे होंगे, बाहर निकलते सड़कों के किनारे पर या फिर रोड में या फिर ऐसे बहुत से जगह पे जहाँ पे हमें सांप का केचुल गिरे हुए मिल जाते हैं। मित्रों, अब क्या आप जानते हैं जो सांप का केचुल होता है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। इससे आप अपने भाग्य की परिवर्तन कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। वीडियो को जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि सांप के केचुल को केले के वृक्ष पर शुक्रवार के दिन बांधने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि अचानक बड़ी मात्रा में हमें धन की प्राप्ति होती है। वह धन आपको गिरा हुआ मिल सकते हैं, सट्टे के माध्यम से मिल सकते हैं, शेयर बाजार के माध्यम से मिल सकते हैं, यानी कि किसी न किसी माध्यम से हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसके माला बनाकर के भगवान शिव को चढ़ाने से इच्छा की पूर्ति होती है। और ऐसा भी बताया जाता है जहाँ पे मेढक रहते उस स्थान का पानी और ये सांप की केचुल को अगर छोटी सी पानी की बाटल में डाल करके रखा जाए तो उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते जिस घर में यह रखा जाए। सांप के केचुल और मोर के पंख को एक ही स्थान पर रखने से वशीकरण का काम करता है। पत्थर हृदय वाला लड़की भी जो है पिघल जाता है, वशीकरण के प्रभाव में बंध जाता है। और ऐसा भी बहुत से तांत्रिक लोगों का मत है कि कौवा का घोंसला और सांप का केचुल दोनों को एक ही स्थान पर रखने से, यानी कि घर में रखने से घर में धन की बरकत होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होने लगती है। इसके पहनने से काल सर्प दोष या स्वप्न में सांप नजर आ रहे हैं, सब आना बंद हो जाते हैं, अकाल मृत्यु गभय समाप्त हो जाता है। इसे जला करके गुण में खिलाने से जिसे पुत्र की कामना हो उसे खिला देने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा एक हमें संत से जानकारी मिला है। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।